हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 का एग्जांपल नंबर 9 है। देखिए, आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने को क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड लेके आना है। तो देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए, ये दे रखा है आपको कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब अपन इसको इस तरीके से लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। देखिए, इसको पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा वापस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते 4, यानी कि कोस की पावर कितना हो गया 4। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो ये पूरा है ब्रैकेट के अंदर, इसको अपन ए मान लेते हैं, और ये भी दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको अपन बी मान लेते हैं। तो कुल मिला के ये किस तरीके से बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये अपना होता है सूत्र, जो आप लोग जानते हो। अब अपन क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, कोस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला ब्रैकेट आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस तरीके से बन गया। देखिए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, इसको ए माना और इसको बी माना। तो इसको जब इसको अपन ए मान रहे तो ए की जगह पे क्या रखना है आपको, कोस स्क्वायर थीटा, और बी की जगह पे क्या रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो बना हुआ है ये इस वाले फॉर्मेट में बना हुआ है, और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या किया कि ये जो वैल्यू है इसको अपन ने इस तरीके से पुट अप कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब अपन क्या किया कि इसकी जगह पे तो क्या रख देंगे अपन, 1 रख देंगे, और ये पीछे वाली जो वैल्यू चल रही है इसको अपन ऐसा कैसा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि यहीं से जिस वाले फॉर्मूले से अगर अपन कोस की वैल्यू निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ से साइन को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अपन ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ पे इस वाले इसमें अपन यहाँ से कोस की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि 1 माइनस, यहाँ पे कोस की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अपन ने किसकी वैल्यू रखी, इस कोस की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रख दी, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन और साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे कि ये 1 तो ऐसा का साइन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का है और साइन स्क्वायर थीटा ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको इस तरीके से सोल्व करना है।